brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए नवादा लोकसभा सीट बहुत ही सेंसिटिव सीट है। यहाँ यादव वर्सेज भूमियार और अब एक कहिए कुशवाहा जाति से एक उम्मीदवार हैं श्रवण कुशवाहा, इनके बीच संभावना है कि टक्कर होगी। लेकिन ज़्यादा संभावना बन रही है कि यहाँ प्रत्याशी पर नहीं बल्कि विकास पर, जिन्होंने विकास किया है नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग एनडीए का वोट देने का मन बना चुके हैं। पब्लिक के रुझान के अनुसार अब तक जो मैंने सर्वे किया उसके अनुसार ये देखा जा रहा है कि श्रवण कुशवाहा को आरजेडी से टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें मुसलमानों का वोट, कुशवाहा का वोट और यादव का वोट मिलने की संभावना है। इस परिस्थिति में उनका टक्कर ही विवेक ठाकुर एनडीए प्रत्याशी के साथ होगी। ऐसे तो विनोद यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी राजवल्लभ प्रसाद यादव के भाई हैं, वे भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, परंतु इन त्रिकोणीय संघर्ष में इन दोनों के बीच ही मुकाबला होगी। श्रवण कुशवाहा एनडीए और महागठबंधन में कितना टाइट फाइट होगा? हाँ, यह 19-20 का आंकड़ा तो रहेगा, इसलिए कि बाजार का रुख भी है, कुछ रुख श्रवण कुशवाहा के साथ है, क्योंकि घर का बेटा घर का नेता का लाभ उन्हें मिल सकता है। कल तक जो चिल्ला रहे थे कि घर का बेटा घर का नेता रहेगा तो विकास होगा, इसका फायदा श्रवण कुशवाहा को मिलेगा। इन दोनों के बीच संभावना है। मौजूदा सांसद जो उनका काम का मौजूदा सांसद लोजपा के जो सांसद थे चंदन सिंह का कार्यकाल कोई ऐसा मील का पत्थर साबित नहीं हुआ जो याद किया जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने जो किया सिर्फ अपने फंड से ही वास्ता रखा। जो फंड आया फंड कुछ परिचितों में ही बटा, उनके समर्थकों में बटा, उनके स्वजातियों में बटा। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं भी कोई ऐसा विकास नहीं हुआ कि बरसों तक जिस तरह से लोग गिरिराज सिंह को याद करते हैं, चंदन सिंह को ऐसा कोई काम नहीं किया कि उन्हें याद किया जा सके। सीट का जाति समीकरण कैसा रहेगा? जाति समीकरण तो अभी तो आपने सबसे पहले हमने बताया कि भूमिहार वर्सेस यादव और ये तीसरे उम्मीदवार के रूप में कुशवाहा जाति से आए श्रवण कुशवाहा, इन तीनों के बीच ही जाति समीकरण चलेगा। कौन जीत रहा है? देखिए जीतने का जहां तक बात है नवादा लोकसभा सीट में इन दिनों लोकल वर्सेस बाहरी का लड़ाई लड़ रहा है, लोगों का एक अलग आवाज बना हुआ है और उसमें लोग जातीय समीकरण भी लेकर चल रहे हैं, तो इस हिसाब से अभी थोड़ा सा टाइट फाइट हो जाएगा। क्योंकि लोकल से ये श्रवण कुशवाहा जो आरजेडी से महागठबंधन से कैंडिडेट बने हैं और दूसरे में विवेक ठाकुर भाजपा से बाहर के हैं, तो इस परिस्थिति में थोड़ा सा लोगों को अपने अंदर मतलब ऑब्जर्व करना कि कैसे वोट को आप कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। एनडीए और महागठबंधन इस बार कैसा होगा? देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के एनडीए महागठबंधन ही है और जो तीसरा पार्टी में है, पार्टी क्या कहिए, मतलब वो बागी उम्मीदवार के रूप में आरजेडी छोड़ करके आए हैं पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ जी के भाई हैं विनोद यादव, वो भी दावा ठोके हुए हैं, तो चूंकि कहीं ना कहीं उनका जो चुनाव लड़ने का मुद्दा है वो आरजेडी से संघर्ष करने का, मतलब कि उनके कारण निर्दलीय उम्मीदवारों के कारण एनडीए या महागठबंधन में किसी तरह की परेशानी होगी चुनाव में? देखिए निर्दलीय के कारण थोड़ा सा तो जो पार्टी के कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा परेशानी होगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन है क्या कि जो कांटे का टक्कर रहेगा वो महागठबंधन और इसमें एनडीए के बीच। कौन सी जाति का वोट इम्पोर्टेंट होता है? देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के दो जाति आपका ये हो गया भूमिहार जाति और दूसरा यादव जाति, तीसरा में आप चले आइए कुशवाहा जाति भी थोड़ा कैडर माने जा रहे हैं, उसके अलावा अलग से मुस्लिम है, फिर व्यवसायिक वर्ग में तो एक अलग अति पिछड़ा वर्ग का जो होता है वो है, तो इन दोनों के अलावा जो भूमिहार और यादव के जो लोग हैं उसके अलावा भी जो अदर जो जाति है उनका भी एक अलग भूमिका रहेगा। मौजूदा सांसद का काम कैसा? मौजूदा सांसद का कुल मिलाकर कहिए तो जनता के बीच वैसा कोई संतोषजनक स्थिति नहीं रही। कौन जीत रहा है इस बार? देखिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कौन जीत रहा है, क्योंकि नवादा में इस बार जो टिकट का जो बंटवारा हुआ है वो जितनी भी पार्टियां ने वो बहुत सोच समझ के दी है। हम बात करें एनडीए से तो एनडीए से भाजपा ने इस बार विवेक ठाकुर पे इस बार अपना वो सिंबल दिया है, तो कहीं ना कहीं एक साफ छवि के नेता हैं विवेक ठाकुर, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है,
और ऐसा माना जाता है कि टेक्निकली वो बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं और शायद यही कारण है कि, और सबसे बड़ी बात कि वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो नज़दीकी जो संबंध जो भाजपा के बड़े नेताओं से रहा है वो उनका इसका लाभ मिला है, इसलिए भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। दूसरी ओर जो महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवारी जो इस बार जो दी गई है, जो श्रवण कुशवाहा है, जो जाति से कुशवाहा समाज के आते हैं और नवादा में उनका वोट का एक काफ़ी अहमियत रखता है, तो इसलिए जो महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवारी दी गई है उसमें ये सबसे दिलचस्प ये है कि आरजेडी का कैडर वोट तो उन्हें प्राप्त होगा ही। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राजवल्लभ यादव का जो परिवार है वो हमेशा ये टिकट लेते आया है, इस बार उनका टिकट कट गया है, हालांकि विरोध में उनके भाई निर्दलीय में मैदान में उतरे हैं, मगर जो आरजेडी के जो कैडर वोट है और कुशवाहा के जो वोट जो उनमें ऐड होगा, तो कहीं ना कहीं ये दिलचस्प हो गया है कि जो वोटिंग का जो जो पैमाना जो है वो इस बार कहीं ना कहीं बदल जाएगा और कहीं ना कहीं जो परंपरागत जो वोट जो कहीं एक पर्टिकुलर लोगों को जाता था वो इस बार कहीं ना कहीं कमेगा और मे भी नए लोगों पे लोग इस बार विश्वास कर सकते हैं। और काफ़ी सोच समझ के टिकट दिया गया है और हमें ऐसा लगता है कि अगर नवादा जो मौजूदा जो सीट है इसमें अगर महागठबंधन की तरफ से अगर कोई इंटरनल राजनीति ना हुई और कोई अगर डमी उम्मीदवार इस पर अगर नहीं उतारा गया तो इनके लिए जो राह जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, मगर भाजपा से उन्हें इस बार जो है वो कड़ा टक्कर मिलेगा। इससे क्या लगता है आरजेडी को फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो एक पुराने राजनीति घराने से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक अपना वोट बैंक है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इस बार की जो जो चुनाव है वो काफी इंटरेस्ट इसलिए हो गया है क्योंकि जितने भी लोग आए सब दिग्गज यहाँ है, एक पार्टी का सिंबल मिलना और एक निर्दलीय आना तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि देखिए पार्टी का जो सिंबल मिला है वो एक बड़ी पार्टी का है, बिहार में वो काफ़ी मायने रखती है उस पार्टी का, तो एक उनका एक अलग वोट कैडर है। अगर कोई डमी कैंडिडेट अगर नहीं उनके विरोध में उतारा गया तो उन्हें अच्छा खासा वोट मिल सकता है। और बात रही राजवल्लभ यादव परिवार से जो इस बार जो बागी होके आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें उन्हें परंपरागत वोट अगर उन्हें मिल जाता है तो घाटा श्रवण कुशवाहा का होगा, क्योंकि उनका वोट जो है वो एनडीए की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, तो अगर उनके तरफ वाले लोग अगर वोटिंग मजबूती से करते हैं तो थोड़ा सा दिलचस्प हो जाएगा। इस बार एनडीए और महागठबंधन में कितना टाइट फाइट होने की उम्मीद? देखिए फाइट तो दो ही पार्टी के बीच होती है मुख्य रूप से। हम नवादा की बात करें तो नवादा जो है पूर्व से ही जो है सो एक भाजपा का सीट रहा है और यहाँ भाजपा के जो है जो कैडर वोटर हैं वो काफ़ी हैं, लंबे समय से यहाँ पे हैं और पूर्व में भी जितनी भी सरकारें अभी आई हैं, इसके पहले चंदन सिंह थे जो कि भाजपा के ही मतलब एनडीए के थे, उसके पहले गिरिराज सिंह थे, उसके पहले भोला सिंह थे, तो लगातार इस समय कुछ दिनों से कुछ टर्म से भाजपा और एनडीए की टीम जीत रही है, तो थोड़ा सा तो टफ हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि परंपरागत वोट जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा का यहाँ ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ जो कास्ट फैक्टर जो इस बार जो संतुलित करके जो टिकट दिया गया है वो इस बार नवादा की राजनीति को दिलचस्प करेगा। तो ये है नवादा के जाति समीकरण और कई सारे सवालों का जवाब नवादा के पत्रकारों ने दिया। नवादा से प्रतीक भान, न्यूज़ तक।